हेलो क्लास, आशा करता हूं कि हमारे YouTube चैनल SN ग्रुप से आप सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, है ना। अच्छी बात है, सभी मन लगाकर पढ़ें। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिंदी में आ की मात्रा, हर्षे की मात्रा और दीर्घ ई की मात्रा सीखा था, ठीक है। आज हम लोग इसके आगे जानेंगे हर्षऊ की मात्रा, है ना। हर्षऊ की मात्रा, इसको बोलते हैं हर्षऊ, ठीक है। ऊ, अगर हम ऊ की मात्रा किसी भी वर्ण मीन्स किसी भी अक्षर में लगा दें तो हम उस अक्षर को ऊ जोड़कर पढ़ते हैं, ठीक है। क है, क में हम ऊ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कू, ठीक है। प है, प में अगर हम ऊ की मात्रा लगाते हैं तो क्या पढ़ेंगे, पू। ज, ज में ऊ की मात्रा लगा देंगे तो क्या पढ़ेंगे, जू। त, त में ऊ की मात्रा लगा देंगे तो क्या पढ़ेंगे, तू। इस तरह से स में लगा देंगे तो सु, ह में लगा देंगे तो हु, न में लगाएंगे तो नू, म में लगा देंगे तो मू, ख में लगा दें तो खू, द में लगा दें तो दू, छ में लगा दें तो छू, और झ में लगा दें तो झू, ठीक है। तो हम अक्षर को कैसे पढ़ते हैं ऊ की मात्रा के साथ, ऊ, सु, हु, ऊ, नू, मू, जू, खू, दू, तू, छू, झू, इस तरह से, ठीक है। अब हम शब्द पढ़ेंगे, शब्द को जानेंगे। अब हम इसको जोड़कर शब्द बनाएंगे। प, प है, प में ऊ की मात्रा लगा दें क्या पढ़ेंगे, पू और ल, क्या हो गया, पुल। उसी तरह से ग, ग है, ग में हम पहले ऊ की मात्रा लगाएंगे क्या हो जाएगा, गु। फिर ला है, ला और ब, गुलाब, क्या पढ़ेंगे, गुलाब, ठीक है ना, इसको पढ़ेंगे गुलाब। उसी तरह से सा है, ब है, ऊ की मात्रा है न, ठीक है, सबको जोड़ेंगे, सा, ब में ऊ जोड़ेंगे, बु, न, इस तरह पढ़ेंगे, सा बु न, साबुन, समझ में आया। उसी तरह से ब, ट, उ की मात्रा और आ, सबको जोड़ देंगे, ब, ट में उ की मात्रा लगा देंगे, टू और आ, क्या हो गया, बटुआ, बटुआ, ठीक है ना, बटुआ पढ़ेंगे। उसी तरह से ब, उ की मात्रा ल, फिर ब, उ की मात्रा ल, सबको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, बू ल, बू ल, साथ में पढ़ेंगे, बू ल, बू ल, बुल बुल, ठीक है ना। उसी तरह से म है, उ की मात्रा मू, क है, ऊ की मात्रा और ट, सबको जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, मू कू ट, पढ़िए, मू कू ट, मुकुट, ठीक है। ऊ की मात्रा कैसे पढ़ेंगे, पू ल, पुल, गुलाब, गुलाब, साबुन, साबुन,
बटुआ बटुआ, बुला बुला बुलबुल, मुकुट मुकुट, यानी कि जिस शब्द में हम उ लगा देंगे तो सॉरी जिस अक्षर में हम उ लगा देंगे उस अक्षर को हम उ से जोड़ के पढ़ेंगे, उ लू खू सु दू, इस तरह से, है ना, समझ में आ गया। अब हम लोग अपने पुस्तक से, है ना, कुछ ऐसे वर्ड्स को पढ़ेंगे, कुछ ऐसे शब्द पढ़ेंगे जिसमें उ मात्र लगा हुआ है ना, तो उसको हमारे साथ आप लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, है ना, उसके बाद आप लोग खुद ब खुद पढ़ने सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हमारे साथ आप लोग भी पढ़ेंगे, है ना, इससे क्या होगा आपका पढ़ने का प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए पढ़िए, कु ल कुल, खु ल खुल, गु ल गुल, चु प चुप, खु स खुश, सु र सुर, आ नु अनु, त नु तनु, म नु मनु, र घु रघु, ल घु लघु, म धु मधु, जू रा ब जुराब, गु ला ब गुलाब, बू खा र बुखार, जा मू न जामुन, सा बू न साबुन, क छु वा कछुआ, मू र गा मुर्गा, भू न गा भुनगा, सु हा ना सुहाना, घु ट ना घुटना, बू न ना बुनना, चू न ना चुनना, गु री या गुड़िया, बू ढी या बुढ़िया, पू ड़ी या पुड़िया, गु न गु न गुनगुन, मू न मू न मुनमुन, गु प चु प गुपचुप, चु प चा प चुपचाप, गु ज रा त गुजरात, सु क रा त सुकरात, फु ट ब ल फुटबॉल, खु स हा ल खुशहाल, झू न झू ना झुनझुना। अब हम लोग एक बार फिर से बिना हिजाई के ही पढ़ेंगे एक साथ, है ना, कुल खुल गुल चुप खुश सुर, अनु तनु मनु रघु लघु मधु, जुराब
गुलाब, बुखार, जामुन, साबुन, कछुआ, मुर्गा, भुनगा, सुहाना, घुटना, बुनना, चुनना, गुड़िया, बुढ़िया, पुड़िया, गुनगुन, मुनमुन, गुपचुप, चुपचाप, गुजरात, सुकरात, फुटबॉल, खुशहाल, झुनझुना। ठीक है, अब आप लोग इसको एक एक करके अपनी कॉपी में लिखेंगे और बार बार पढ़ने का प्रयास करेंगे, है ना।